वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद और मौजूदा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए, तो रोहतक से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने विकास के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर प्रहार किया। मेरा अपना अंदाजा, मैं तो क्योंकि अभी 29 तारीख से ही शुरू होगी नॉमिनेशन, हम भी 2 मई को करेंगे। कुछ एक पार्टी ऐसी है जिन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करे, एकमात्र जेजेपी और बीजेपी ने घोषित किए हैं। और कांग्रेस, क्योंकि इस कांग्रेस का तो ये नहीं पता कि कितनी कांग्रेस हैं, वो किस किसको कैंडिडेट कहां से लाएंगे। अरे भाई, उसने तो मान ली, कितनी बार मांगेगा। जो विकास की जो बातें कर रहा है वो तो 2014 तक हो लिया, वो तो मुख्यमंत्री से जब कर लिया 2014 के बाद, बताओ ना 10 साल हो गए, अभी भी तो सांसद हैं। फिर बताओ, हम तो 2019 से 24 तक का जो विकास हुआ उसके लिए वोट मांग रहे हैं और आगे करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये अपना दो, इनसे पूछो, इनके लोग बात करते हैं कि हम मोदी जी और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, विदेशों में मजबूत किया है और विकास के रास्ते पर देश को कितनी आगे बढ़ाया आप देखें। अब आप जब आए, पूछना नुके जी, आप वोट किसके नाम से मांग रहे हो? आप अपने नाम की वोट मांग रहे हो के राहुल गांधी के नाम की वोट मांग रहे? पूछ लेना ना, झगड़े तो करें कि भाई राहुल गांधी को बनाना है, खड़गे को बनाना है, किसको बनाना है, उसको नेता के नाम की तो वोट मांगो, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है।